चाहिए थी वो मैं भूलती जा रही। राम राम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा है, आटे का हलवा, देसी घी वाला। ये चीज़ बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कभी भी कहेंगे मम्मी हलवा बना दो। इतना मैंने हलवा बनाया है जिसे प्लेट में निकाल के रख दी हूँ। इधर पंजीरी भी मैंने निकाल ली है, जो आटा भुना हुआ था उसे मैंने चीनी मिला दिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में, जब मन होता है तो मैं इसे ऐसे ही बना के रख लेती हूँ और खाती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। तो ये बच्चों का हलवा ठंडा हो रहा है, ठंडा हो जाएगा फिर थोड़ा थोड़ा दूंगी। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, स्कूल से आए बच्चे, दाल चावल मैंने बनाया था खाए। ये अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने दम आलू। बच्चों का मन था खाने का तो दम आलू बनेगा अभी शाम के टाइम में। शाम का जितना काम था उतना ख़त्म हो गया है, अभी बस बच्चों की फरमाइश पूरी करनी है। आलू को मैंने छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी, फिर झटपट तो दम आलू बनता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ी सी हींग जीरा डाल के भून के दम आलू मसाला डाल दूँगी, बस समझ लीजिए दम आलू तैयार है। तो आप सब बने रहिए, जो लोग न्यू आते हैं चैनल में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिए। लोग कहते हैं कुछ न्यू लेके नहीं आती हो साधना तो बंद करो वीडियो बनाना, क्या फ़ायदा, वही चीज़ आप रोज़ दिखाती हो, हम लोग बोर हो गए हैं। और आजकल कोई नॉलेज वाली बात भी नहीं आप बोलती हैं, तो नॉलेज वाली बात क्या बोलूं, जो लाइफ आप जीते हैं मैं जीती हूँ, सब कुछ संसार में वही है, तो उसे मैं अपने मुँह से बता दूँ तो क्या नॉलेज हो जाता है। नॉलेज तो हम सबको हर जगह मिल जाता है अगर हम ध्यान से देखें, बातें सुने दुनिया की। हम तो खुद को ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ समझते रहते हैं, तो हम कहाँ से सीख पाएंगे। नॉलेज वाली बातें बताने से ही नहीं होती, कुछ लोग देखकर भी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक। और कुछ लोगों के सामने आप रामायण भी पढ़ लोगे, उनको वो भी नहीं समझ में आता है। तो जिसे नहीं समझना है उसे नहीं समझना है, और जो समझदार होता है वो देखकर ही समझ जाता है, नॉलेज ले लेता है, ज्ञान ले लेता है। तो ये तो हम सब इंसानों पर डिपेंड करता है ना कि हम किस चीज़ में कितना लगते हैं। उधर मैंने दम आलू चढ़ा दिया है, पक रहा है, बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। ये देखिए हमारा यम्मी सा दम आलू बन के रेडी हो गया, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा दिया। देखिए दम आलू मन खा के बैठ गए, तैयार व्यार होके जा रही हूँ ढोलक बजाने। पड़ोसी के यहाँ झांकी रखी हुई कृष्ण जी की, तो वहीं जा रही हूँ, वेट कर रही हूँ, और लोग जाएंगे शायद, तो सब लोग साथ में ही चले जाएँ, फिर एक ही जगह जाना है। बर्तन वैसे पड़े हुए हैं जो दम आलू मैंने बनाया था रखे हैं, आऊँगी तो डिलीवरी बर्तन में लग जाऊँगी, तो फिर वहाँ कितने टाइम जाऊँगी, है ना। हाँ बेटा अभी 5:10 है, आ जाएगी 6:15-6:30 तक में। बहुत अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो 7 बज जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2-3 घंटे कहीं जाओ तो वहाँ तो रुकना ही पड़ता है ना, और जहाँ समाज होती है लगता है चलो वो भी जाएंगे, उन्हीं के साथ चलते हैं इकट्ठे। काम तो घर में सबके पास है ही, इस टाइम ऐसे उतना काम नहीं रहता है, 5-6 बजे बैठी ही रहती हूँ। चली जाऊँगी वहाँ, भजन वजन होगी सुनूँगी, गाऊँगी तो नहीं, क्योंकि जितनी भी भजन आती थी सब भूल गई मैं। ढोलक वोलक कभी बजता नहीं है, इसी संघर्ष में, इसी घर में बहुत सारे संघर्षों में लगी रहती हूँ। जो मेरी हॉबी थी, जो मेरी पसंदीदा चीज़ें थी, वो मैं भूलती जा रही हूँ और उलझनों में बिजी रहती हूँ। खैर चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ढोलक बजा के आऊँगी तब आप लोगों से मिलूँगी, बने रहिएगा आपसे। फिर देखिए ढोलक बजाने गई थी, वहाँ से आए घर के जो बाकी काम थे काम किया, खाना बनाया, रात का टाइम हो गया, खा पी के सो गए। ये अगला मॉर्निंग है, देखिए भगवान की पूजा पाठ से ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है। आज फूल मिल गए थे भगवान को चढ़ाने के लिए, तो एकदम से मेरे भगवान अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए फूल के बिना पूजा अधूरी लगा करती है। तो बोलो सब लोग प्रेम से जय भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय।
सो तुम जान हूँ अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल बिरद संभारी हर रघुनाथ मम संकट पारी। ओम शिव पार्वती पतये नमः। पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में, बनाने जा रही हूँ चाय। चाय बनाऊंगी, दूध उबालूंगी। और हाँ, नॉलेज वाली वीडियो जो आप बोल रही हैं वो वीडियो तो नहीं आ रही है सच में। यहाँ देखिए, चाय चाह के आई हूँ, हवा लेने लगी। दो दिन से हम लोगों की तरफ बारिश हुई नहीं है, इतना ज़्यादा उमस है कि बता नहीं सकती हूँ। अब लग रहा है कि गर्मी पड़ रही है, जब लू वाली गर्मी पड़ती थी ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। बड़ा वाला बेटा स्कूल आज नहीं गया है, उसके पेट में थोड़ा दर्द था, तो यहाँ पे कापी वापी रख के पढ़ाई कर रहा था। अभी कहीं काम से गया है तो इसीलिए खुली है, बाइक भी रखा हुआ है उसका। फिर देखिए, उतना काम मैंने कर लिया है, चाय वाय चढ़ा दी हूँ। अब जा रही हूँ चाय छान के पीऊँगी। कुछ दिन से ब्लैक टी पी रही थी, आज दूध ली हूँ। नहीं, पाउडर वाला दूध रखा घर में, दूध ऐसे नहीं खरीद रही हूँ, समय बंद है। लेकिन पाउडर वाले की चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं ब्लैक टी ही पी लेती हूँ। चीनी आधा केजी आई है, उसको मैं देख रही हूँ, एकदम सेड़ा सेड़ा सा है, इतनी वजन लग रही है। सेड़ा जो होती है ना, सेड़ा लग गया है जैसे चीनी को, कुछ ऐसी दिख रही है, इसलिए मैं उसे बड़े ध्यान से देख देख के भर रही हूँ। और चाय को पता नहीं कितनी देर तक उबालूंगी। ये घर पर ही हैं, आज छुट्टी लिए हैं, बैठे हैं, बोल रहे हैं इतनी देर तक तुम्हारी चाय कैसे बनती है, जल्दी बनाओ। जब कभी कभार मन होता है तो वो भी चाय पी लेते हैं। पूछी हूँ मैं कि पियेंगे कि नहीं आप, मैंने 2 कप बना लिया है। नहीं पियेंगे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा गर्म करके दूसरी कप वाली भी पी लूँगी, क्योंकि भाई चाय मेरी फेवरेट है। बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, फेवरेट आप लोग सोच लो कि अरे चलो साधना तो बहुत पीती है, चाय नुकसान करती है चाय। जितनी भी कोई चीज़ फेवरेट हो जाए, अगर आती होगी उस चीज़ की, तो हमें वो नुकसान करेगी ही करेगी, चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, किसी से आप अटैच हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो, लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं समझता या समझती, तो आप अति करते हो कि भाई मैं तो तेरे बिन रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। तो जब आप इतनी अति करने लगते हो ना, तो आपका मान वहाँ कम हो जाता है। तो अति किसी चीज़ की नहीं अच्छी होती है, हमें नुकसान ही देती है, तो कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए, तुलसी वाली चाय बन रही है, आज अदरक नहीं है। अभी दोपहर का खाना नहीं बना हुआ है, 10:30 बजे मेरी चाय बन रही थी। इधर देखिए, फिर दाल सब्जी चावल निकला है, हस्बैंड का ये खाना है आज। उनको भी मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, बोल रहे थे जो है वो दे दो। सुबह मैंने पराठा सब्जी बनाया था ना, तो खा लिए थे पेट भर, यहीं घर में ही थे। जब स्कूल से आते हैं तो खाना ढंग से खाते हैं दोबारा, नहीं तो मॉर्निंग में खा लेंगे, तो दोपहर में दाल चावल बहुत थोड़ा सा सब्जी चावल ऐसा कुछ खा लेते हैं। फिर देखिए, सारे बर्तन वर्तन इधर ले आई हूँ, रख दी हूँ, अब धुलूँगी। बर्तन वर्तन भी धुल गए हैं। यहाँ पे चप्पल एक तरफ कर दूँ, बच्चों ने यहीं उतार दिया है, और पानी भर के रख दूँ। फिर उसके बाद फ्री हो जाऊँगी तो कुछ देर बैठूँगी। ये देखिए, फिर चाची सासू माँ जा रही थी वहीं ढोलक बजाने, जहाँ मैंने बताया था कल मैं गई थी। वीडियो नहीं शूट की हूँ, आज दिखाऊँगी कहाँ मैं जाया करती हूँ। तो वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, जल्दी जल्दी बाल वाल बना लूँ, जाऊँ। भजन सुनने में, भजन करने में बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण जी का भी दिन चल रहा है ना, तो मत पूछिए, हर तरफ बस धूम मची हुई है कृष्ण के भजन की। चाहे टीवी में देख लो, चाहे साउंड जिसके घर में लगा है वहाँ, मतलब इसी यही भजन चलती रहती है कृष्णा जी की। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं डेली जाऊँ, पर डेली नहीं जा पाऊँगी। कल फिर नहीं जाऊँगी, क्योंकि सेवइयाँ वगैरह बनानी पड़ेंगी। आज चली जा रही हूँ, बस एक दिन कल गई थी, आज चली जाऊँगी। 2 दिन पूरा हो जाएगा, काफ़ी है ना। बच्चे यहीं पे अपना पढ़ रहे हैं, इन लोगों का टेस्ट पेपर चल रहा है, खुशी का सिवा का हर्ष का भी नहीं। तो बच्चे बिजी हैं उसी में, जिससे नंबर थोड़े ढंग के आ जाएं, है ना। जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही फल मिलता है, तो पढ़ाई लिखाई मेहनत कर लेनी चाहिए। मौसम हल्का हल्का ख़राब दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कपड़े हटा ही लूँ कि ना हटाऊँ। अभी हल्का सूखे हैं, ज़्यादा सूखे नहीं हैं,
और मैं वहाँ चली जाऊँगी तो बच्चे ना हटाते हैं ना हस्बैंड, इधर ध्यान ही नहीं देते कि बारिश हो रही है, कपड़े वपड़े शायद डले हों, ये लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो मैं कहीं अगर जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए भी तो मुझे डर रहता है कि घर कैसे संभलेगा, ये तो कुछ हाल है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी हवा चल रही, सूख जाने देती हूँ, बारिश के मौसम में कपड़े अंदर डाल दो ना तो एकदम से अजीब से लगते हैं। चलिए मैं अपने बाप को एंड करती हूँ भजन के साथ, जो भजन हमने वहाँ सुनाया है, सुना है, गाया है। ठीक है, बाय।